सिंगरौली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश लागू हो गया है और मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पहले आदेश में ही धार्मिक स्थलों समेत सार्वजनिक स्थानों पर बेवजह लगाए जा रहे लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश का पालन करते हुए सिंगरौली जिले ने भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की है। सिंगरौली नगर निगम के आयुक्त सत्यम मिश्रा के नेतृत्व में मोरवा SDOP के पांडे और मोरवा थाना प्रभारी अशोक सिंह परियार ने विभिन्न धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटवाने की कार्रवाई शुरू की। गौरतलब है कि मोरवा रेलवे कॉलोनी मस्जिद, मोरवा गोसलवाड़ा स्थित जामा मस्जिद, नूरी मस्जिद एवं मोरवा बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर प्रांगण से लाउडस्पीकर हटाए गए। इसके अलावा अन्य DJ संचालकों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों को निश्चित ध्वनि पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए DJ के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।